हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा और राधा जी की किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। यहाँ पर हम सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें एक प्याज को बारीक कट करके ऐड कर देंगे। दो तीन हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा लें छोटा सा, और साथ में 10-8 लहसुन की कली लें और सभी को बारीक कट करके इसमें ऐड कर लें। फ्रेंड्स, बारीक कट करके ही ऐड करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधी चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालें, 1/4 चम्मच से भी कम गर्म मसाला, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी हींग, साथ में दरदरी कुटी हुई सौंफ डालें 1/2 चम्मच से ज़्यादा, हरे धने की पत्ती डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपको इसमें टमाटो केचप डालनी है 1/2 चम्मच के लगभग, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है स्टफिंग में। फ्रेंड्स, यदि आप मीठा पसंद नहीं करते हो तो स्किप भी कर दें, इसके बिना भी बना सकती हो। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, तो मैंने पूरी रेसिपी को देखते हुए नमक डाल दिया है। आप नमक इसमें बाद में भी डाल सकते हो। 4 उबले हुए आलू लिए, उनको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहो तो मैश भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट आलू को ना डालें साबुत, तो इस तरीके से ग्रेट या मैश करके डालें। इससे एकदम बढ़िया स्टफिंग बनती है जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना उसके लिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हमें गैस पर जाकर कुछ भी नहीं करना, एकदम बढ़िया कच्ची ही सभी चीज़ें डाली हैं, पर ये रेसिपी जो है खाने में बेहद टेस्टी लगती है, तो एक बार आप इस तरीके से जरूर बनाएं। अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच के लगभग ऑयल ले लेना है और उसमें नमक डाल देना है 1 चम्मच ही, 1 चम्मच जीरा डाल दें और अच्छे से 1 चम्मच की मदद से इसको मिक्स करें, 1/2 मिनट के लगभग ही मिक्स करें। इस तरीके से जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना, इसमें मोहन एकदम परफेक्ट हो जाता है और थोड़े से ही ऑयल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मोहन हो जाता है। तो 1 कप गेहूँ का आटा, 1/2 कप से कम इसमें हमने सूजी लिए, 1/4 कप से ज़्यादा, 1/2 कप से कम, ठीक है। अच्छे से मोहन को इसमें मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप नमक अब भी डाल सकते हो, या फिर पूरी रेसिपी को देखते हुए अंदाजा होता हो आपको तो पहले भी डाल सकते हो। तो 1/2 कप से हमने कम यहाँ आटा और सूजी ली है। अच्छे से दोनों हाथ से इस तरीके से भी मिक्स कर सकती हो, या फिर एक हाथ से मिटते जाए तो वो भी मोहन एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो जब तक मिक्स करें, जब तक हाथों से आप मुट्ठी में आटे को लो, तो इसकी मुठिया ना बन जाए कुछ इस तरीके से। तो अब आप समझना, एकदम परफेक्ट मोहन इसमें हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और एकदम इसका सॉफ्ट आटा लगा लें। तो जैसा कि हम रोटी खाते हैं ना, उसके लिए आटा लगाते हैं ना, उससे और भी नरम ही आटा लगाएं, क्योंकि सूजी थोड़ी फूलती भी है ना इसीलिए। तो एकदम कड़क आटा बिल्कुल ना लगाएं इस रेसिपी को बनाने के लिए, सॉफ्ट आटा लगाएं, तो एकदम परफेक्ट रेसिपी आपकी बनकर फिर तैयार होगी। तो आटा लग चुका है, हाथों में काफ़ी चिपचिपा हो रहा है सूजी की वजह से, तो इसको थोड़ा रेस्ट पे रखेंगे, क्योंकि इतना ही नरम आपको आटा लगाना है। सूजी फूलेगी तो आटा कड़क हो जाएगा, तो लगभग फिर वैसा हो जाएगा जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते ना वैसा। हमें पूरी वाला आटा यहाँ लगाकर तैयार नहीं करना है, इसका रोटी जैसे ही लगाना है। तो थोड़ा सा मत लेंगे, जिससे और भी अच्छा आटा हो जाएगा। तो एकदम बढ़िया मत लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें 2 लोई इसकी तोड़ ले रही है, बड़ी बड़ी लोई बनाइए, जैसे 2-2.5 रोटी की लगभग 1 लोई होती है, उतनी लोई ले ली हमने यहाँ पर। और इसको अच्छे से बेल लेंगे, तो साइड से बेले फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि रेसिपी एकदम पतली हमारी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। तो मोटी बिल्कुल भी इस पूरी को ना रखें, तो चकरे पे फैल जाए जितना फैल लें, बट अभी मुझे काफ़ी मोटी लग रही है, इसको और भी पतला करेंगे। तो मैंने यहाँ इसको नीचे रख लिया है, आप किचन सरफेस पे अच्छे से साफ करके और इसको बेल लें। जितना पतला बेलोगे उतनी ही रेसिपी टेस्टी बनकर फिर तैयार होगी आपकी। अब आपको साइड से इसके कॉर्नर कट कर लेना और इसको एकदम बॉक्स जैसा चौखुट बना लेना है। तो फ्रेंड्स, एक बार याद दिलाती हूँ, आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो मेरी आज की, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप सपोर्ट करें। आप सभी सपोर्ट करोगे तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ कट कर लेना है इनको और साइड में रख देना, वापस से जो आटा हम बेलेंगे ना रोटी उसकी, तो उसमें इसको लगा लेना। अब आपको क्या करना है, जो स्टफिंग है उसको लेना है, और आप चाहो तो चम्मच की मदद से बराबर बराबर रख सकती हो, जैसे कि फ्रेंड्स मुझे हाथ से ज़्यादा अच्छे कर सकती हूँ, मुझे आदत है हाथों की ये। तो इस तरीके से हाथों को अच्छे से वॉश करें और इस तरीके से आप छोटी छोटी टिक्की यहाँ पर आलू की स्टफिंग की रख लेना। तो सभी पे हम इसी तरीके से रख लेते हैं फटाफट से। तो देख रहे हो फ्रेंड्स, ज़्यादा कम जैसा आप खाते हो उस हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा पसंद हो तो और भी ज़्यादा रख ले। मैंने 1.5 चम्मच के लगभग स्टफिंग रखी है, और इनको हल्का हल्का इस तरीके से थोड़ा कर देंगे तिरछेपन में, तो सभी को कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को यहाँ मिला देना है, और दोनों कॉर्नर से मिला देना है, तो एकदम आपकी रेसिपी कुछ इस शेप की भी यहाँ बनकर तैयार हो जाएगी। बट मैं आज इस रेसिपी को थोड़ा डिफरेंट बनाने जा रही हूँ, देख लेना, आपको जैसे भी इसको बनाना हो वैसे आप शेप दे सकते हो, आपकी चॉइस है। टेस्ट जो है लाजवाब है, यदि आप इसी तरीके से बनाओगे ना तो खाने में फिर मज़े आ जाएंगे, मतलब बार बार बना के खाओगे, इतनी टेस्टी लगती है फ्रेंड्स ये रेसिपी। एक बार मैं और आपके लिए बता देती हूँ, अब हम इस रेसिपी को कैसे बनाने जा रहे हैं। साइड से कॉर्नर टच करना है, और फिर इस वाले कॉर्नर को स्टफिंग को अंदर करते हुए टच करना है, इस वाली स्टफिंग को भी अंदर रख देंगे, और जो कॉर्नर है इसको इस कॉर्नर से मिला देना है।
तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये गेप है ना, इनको इस तरीके से कर देना जैसा कि मैं कर रही हूँ, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। सेम ऐसे ही कर लें चारों ही साइड से, और एकदम बढ़िया फिर हमारी रेसिपी का शेप आता है, जो कि दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में तो टेस्टी होते ही है। तो इस तरीके से करें, हल्का इसको थोड़ा चपटा कर दें, मतलब फ्लैट जिसे बोला जाता है, और थोड़ा इसको लंबाई में कर दें। तो देखा ना फ्रेंड्स, एकदम मज़ेदार रेसिपी दिखने में हमारी लग रही है। तो सभी को आप यह इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लें। तो दो बार में आपको करीब बनाना पड़ेगा, दो पूरी बेल के, और हम यहाँ सभी को बेल के अच्छे से तैयार कर लेती हैं। तो गैस ऑन करके मैंने ऑयल पहले ही गर्म होने रख दिया था, और ऑयल अच्छा गर्म कर लें और उसके बाद गैस की फ्लेम स्लो कर दें। यदि आपको एकदम समोसे वाला रेसिपी में टेस्ट चाहिए ना, तो स्लो गैस पे सेकना होगा फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा काम करना होगा कि आपको 5 या 4 मिनट के लगभग यह टाइम लग जाएगा आराम से, जब भी आपकी पूरी एक बार का बेच यहाँ तैयार होगा सीख कर। इससे ये होता है जितना हम इसको स्लो गैस पे सेकते हैं उतनी ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है, और काफ़ी टाइम रख कर भी खाओगे तो एकदम क्रिस्पी ही रहती है। तो इस तरीके से इनको पलट दें जब ये सीख जाए 1-1.5 मिनट के लगभग जब, तो यहाँ मैं सभी को पलट देती हूँ। इसी तरीके से आप बनाए फ्रेंड्स, इनको वापस से सीखने दें, और देखा ना जैसे जैसे सीखती जा रही हैं थोड़े फूलती भी जा रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हो कि एकदम क्रिस्पी और अंदर से आलू की चटपटी सी फीलिंग, खाने में मज़े आ जाएंगे। और आप सोचो कि प्याज वगैरह कच्ची लगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सभी चीज़ें ऑयल में सीख जाती हैं। अब तो इनको अलटते पलटते हुए हम यहाँ अच्छे से सेक लेंगे, तो इनको थोड़ा सा और सेकेंगे, हल्का कलर और चेंज करेंगे, और स्लो गैस पे सेक रही हूँ फ्रेंड्स मैं, आप ये बात ध्यान रखना। तो अच्छे से सेक चुकी हैं, तो इनको हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, आपको अलग ही नज़र आ रहा होगा दिखने में, इसमें सूजी जो है एक एक दाना अलग ही चमकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी क्रिस्पी हमारी रेसिपियाँ बनकर तैयार हुई होगी। तो सभी को निकाल लें, और बची कुची जो है उनको भी इसी में डालते हुए आपको सेक लेना है। तो एकदम बढ़िया समोसे कचौड़ी को भी टक्कर देने वाली रेसिपी बन चुकी है। तो इसी तरीके से सभी रेसिपी को आप बनाकर तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स मैं एक पीस आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी क्रिस्पी बनी है, खाने में बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स, ट्राई जरूर करना। रेसिपी अच्छी लगी हो आज की तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ फ्रेंड्स आप सपोर्ट करें, आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी नीड है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सपोर्ट जरूर करें।